शारदीय नवरात्र का आज आखिरी दिन है। नवरात्रि की नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है और उन्हें यश, बल और धन भी प्रदान करती है। शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। नवरात्रि की नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री को प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। सर्वप्रथम कलश की पूजा व उसमें स्थापित सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भक्तों को अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र की ओर लगाना चाहिए। यह चक्र हमारे कपाल के मध्य में स्थित होता है। ऐसा करने से भक्तों को माता सिद्धिदात्री की कृपा से उनके निर्वाण चक्र में उपस्थित शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ ने हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी मानते हैं। नवरात्रि की नवमी तिथि को बैगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ होता है। यह रंग अध्यतम का प्रतीक होता है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।